बेटा हमने कंप्लीट किया था फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने रेजोनेंस पैकेज से रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो स्टेप से मिलके बनी हुई प्रोसेस है। एक तो उसमें इंक्लूडेड है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देना। और जो सेकंड स्टेप होगा उसमें ऑक्सीजन जो अंदर गई है बॉडी के उसके बेसिस पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होना। दीज आर द टू स्टेप्स विच आर इंक्लूड इन द रेस्पिरेशन, द कॉमन डेफिनेशन। द सम टोटल ऑफ ऑल द वाइटल एक्टिविटीज, मेटाबॉलिज्म, जितने भी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन का सम टोटल हो रहा है मेटाबॉलिज्म, उन वाइटल एक्टिविटीज के लिए, मतलब वो नेसेसरी हैं वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए कि हम एनर्जी जनरेट करें बॉडी के अंदर उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और वही वाइटल एक्टिविटीज़ रेफर टू द ऑल फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़, मतलब एक सेल के अंदर जितनी भी नॉर्मल उसे रेगुलेट करने के लिए प्रोसेस चल रही है वो उसके लिए भी नेसेसरी है। इसके दो एस्पेक्ट हो गए आपके पास मेटाबॉलिज्म के, वन इज़ द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे, छोटे छोटे सब्सटेंस मिलके जब आपके पास एक लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएं तो उसे हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 H2O जो रॉ मटेरियल है आपका, वो ग्लूकोज C6H12O6 आपका फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट दे रहा है। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा बेटा आपके पास, कि लार्ज जो आपका पास प्रोडक्ट है वो टूट के आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो। जैसे रेस्पिरेशन के टाइम पे ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होता है किसके अंदर, CO2 और H2O के अंदर। ये हम क्लासरूम में भी डिस्कस कर चुके हैं अपना। रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीडेशन होता है फूड का, जिसके बेसिस पे एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन आएगी कहाँ से, थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस प्रोसेस के अंदर, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज टेकन इन, एयर से ऑक्सीजन ले ली अगर हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। और जितने भी आपके पास एक्वेटिक हैं वो कहाँ से लेते हैं, डिजॉल्व फॉर्म, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व है। दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, ये जितने भी फूड मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह जो काम करेंगे उनके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीडाइज होंगे एंड रिलीज एनर्जी, और उसके बेसिस पे एनर्जी रिलीज करेगी। ये प्रोसेस दिखा भी रखे है, जो भी आपका फूड मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्लस H2 और एनर्जी यहाँ ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज हुई। एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जितना काम हुआ उसके बेसिस पे नाम दिया गया एरोबिक रेस्पिरेशन। The process by which organism obtain oxygen from environment and release carbon dioxide produced during oxidation of food of the outer environment is called breathing. Exchange of gases को कहा गया है breathing, ठीक है, जो respiration का part है। दोनों में difference क्या है breathing और cellular respiration में, breathing एक physical process है जिसमें exchange हो रहा है gases का, और सेलुलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब तोड़ा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में। ब्रीदिंग के लिए नो एनर्जी इज रिलीज्ड, मतलब ब्रीदिंग के टाइम पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज हो रही है ATP की फॉर्म में। ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है और सेलुलर रेस्पिरेशन इंट्रा सेलुलर है। यहाँ पे कोई एंजाइम की फिजिकल प्रोसेस है तो कोई सी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम की बेसिस पे ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। रेस्पिरेशन और कम्बशन, कम्बशन नॉर्मली जो प्रोसेस है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, लिविंग से रिलेटेड है एंड इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। इट टेक्स प्लेस एट नॉर्मल टेम्परेचर, इसे करने के लिए कम्बशन के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। रेस्पिरेशन बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं जो अभी हम करेंगे आगे। एनर्जी इज ऑल्सो लिबरेटेड, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। कम्बशन फास्ट प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ एनर्जी एक ही स्टेप पर रिलीज हो रही है, ठीक है, जिसके कारण मतलब रिजल्टिंग इन टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और फायर प्रोड्यूस हो रही है। अ सीरीज ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, यहाँ बहुत सारे एंजाइम की जरूरत है लेकिन ये एक केमिकल प्रोसेस है तो इसमें इतने एंजाइम्स की हमें जरूरत नहीं है। नाउ सी द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेप पता है आपको कि साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस है वो कॉमन स्टेप है एरोबिक और एनारोबिक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्रोडक्ट्स एरोबिक के अंदर जो ATP है वो ज़्यादा ही बनते हैं, एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो यीस्ट के अंदर, यहाँ C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पे बनता है आपके पास लैक्टिक एसिड और यहाँ पे ATP का नंबर कम रह जाता है। नोटबुक में आपने इसे बहुत अच्छे से कवर भी किया है बेटा, साथ के साथ रिवाइज करते रहिएगा, अदरवाइज इट बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर बोथ ऑफ अस। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस जो हम कर भी चुके हैं,
इट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स इन हायर प्लांट्स और एनिमल्स, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे ऑलमोस्ट ये एक ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 38 और कई क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ 36 ATP भी आपको मिल सकता है, वो डिपेंड कर रहा है कि हम पाथ कौन सा फॉलो कर रहे हैं। ये अभी आपके आ जाएगा पाथ, यहाँ पे 2 ATP का है। एक ये देख लीजिएगा नॉन टॉक्सिक टू हायर ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिक टू हायर ऑर्गेनिज्म, ये मतलब पॉइंट्स आपका अलग है नोटबुक से, बाकी तो वो सारे सेम ही हैं। क्वेश्चन जरूर करके देखिएगा, व्हाई वी फील मसल क्रैम्प्स आफ्टर विग्रेस एक्सरसाइज, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन के कारण। व्हाट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी, डिफाइन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन आस्क ड्यूरिंग द डाउट सेशन। अगर उसके बाद हम बात करें रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर की, तो प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो लीव्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू और रूट्स के थ्रू इंडिविजुअली वहाँ मतलब इन सारे पार्ट्स में हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इज वेरी लेस, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। अकर्स बाय सिंपल, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो वहाँ पे जो फिजिकल प्रोसेस काम आ रही है दैट इज सिंपल डिफ्यूजन, मतलब हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ एयर इन सॉयल पार्टिकल्स के बीच में जो प्रेजेंट है वो रूट हेयर्स के थ्रू मतलब एंटर कर रही है, ठीक है। एक यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ, जो प्लांट की विथ बढ़ रही है, ठीक है। एक तो प्लांट की हाइट बढ़ रही है एपिकल मेरिस्टेम के कारण, एक जो प्लांट की विथ बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, उसमें टाइम पे क्या है सेकेंडरी ग्रोथ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे बार्क रीजन, नॉर्मली आपने नीम के पेड़ में देखा होगा ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर बाहर है, दैट इज नॉन एज बार्क। उन बार्क के अंदर रेस्पिरेशन के लिए ये जो स्मॉल पॉर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज नॉन एज लेंटिसेल, ठीक है। ये सेकेंडरी ग्रोथ के सारे काम आने वाले फिलोमिनन है, जैसे कॉर्क कैम्बियम, मतलब इनके कारण ग्रोथ हो रही है, सेल्स ऐड हो रही हैं, एक यहाँ कॉर्क जो बाहर वाला बार्क वाला हिस्सा हो गया उसे नाम दिया गया है कॉर्क। और वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं बाय द रप्चरिंग ऑफ सेल्स दैट इज नॉन एज लेंटिसेल। नाउ सी रेस्पिरेशन इन रूट्स, इन यंग रूट्स द एपिडर्मल सेल्स आर एक्सटेंडेड, एपिडर्मल जो सबसे बाहर वाली सेल है आर एक्सटेंडेड टू फॉर्म रूट हेयर, वो रूट हेयर्स बनाती हैं। दीज रूट हेयर रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर प्रेजेंट, वो सॉयल पार्टिकल के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, उनके बीच में जो एयर पार्टिकल्स हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर एंटर इन टू द रूट हेयर, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करती है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जाता है। सी इन द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम, यहाँ पे आपके एयर प्रेजेंट है रूट हेयर्स के थ्रू, वो एक्सचेंज हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन के बेसिस पे। रेस्पिरेशन इन स्टेम की अगर हम बात करें तो हार्ड वुडी स्टेम ऑफ बिग प्लांट एंड ट्रीज लेंटिसेल्स जो अभी हमने डिस्कस किया था आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ स्टोमेटा, वहाँ स्टोमेटा की जगह ये सब लेंटिसेल्स प्रेजेंट हैं। ये डाइकॉट प्लांट का मेन फीचर हो जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट में देखने को नहीं मिलती, वो डाइकॉट का फीचर होता है, वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। रेस्पिरेशन अगर लीव्स की बात करें तो वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कि ये गार्ड सेल्स हैं जो बीन शेप्ड में हैं, सब्सिडरी सेल्स और बाहर एपिडर्मल सपोर्टिंग सेल्स। सरफेस ऑफ लीव्स पॉजिस्ड बहुत सारे मतलब लीव्स के सरफेस पे, स्पेशली जो लोअर साइड है उसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट है, टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनके अंदर एपिडर्मल सेल्स होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। CO2 कंसेंट्रेशन इन सेल इंक्रीजेस, मतलब CO2 बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। दिस इज द डायग्राम फॉर द स्टोमेटा। सी द क्वेश्चन, राइट डाउन द रोल ऑफ स्टोमेटा इन द गैसियस एक्सचेंज, व्हाट इज द रोल ऑफ रूट हेयर इन रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी डाउट सेशन। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल।